मूली का पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर कई बार जो है मूली का पराठा अच्छे से नहीं बनता है। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि मूली का पराठा बनाना तो बिल्कुल बाएं हाथ का ही खेल है, तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मूली ले ली है, तो आप देख सकते हैं मूली बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पर हमने फ्रेश फ्रेश मूली रख ली है, और इसके बाद जो है मूली को करेंगे कद्दूकस। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि आपके मूली के पराठे जो है ना वो ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मूली को हमने कर लिया है क्रश, कद्दूकस कर लिया है। तो बहुत ही अगर ताज़ी मूली होती है ना तो वो कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, तो ताज़ी मूली के पराठे बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। तो मैंने एक बाउल में जो है डाल लिए हैं मूली, और कद्दूकस की हुई मूली, और थोड़े से पत्तों को भी इसमें मैंने काट लिया है, जो भी हरे हरे होते हैं ना तो उसको काट लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी देते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कटी हुई अदरक, और एक चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा, एक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और धनिया पाउडर भी लिया है। तो आप इसमें बहुत सारे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद है वो ऐड कीजिए। और अदरक अगर कटा हुआ अगर इसमें डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है, नहीं तो आप पिसा हुआ अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे इन्ग्रीडियंट बारी बारी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हम नमक। नमक सबसे एंड में ऐड करना चाहिए जब हम पराठे बनाने ही वाले होते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलता। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी है, बहुत ज़्यादा तीखापन पसंद नहीं है क्योंकि बच्चे भी जो है कम ही खाते हैं। तो सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब बात आती है कि इसको बनाएं कैसे। तो यहाँ पर लेमन साइज़ के मैंने छोटे छोटे जो है पेड़े लिए हैं, तो यहाँ पर हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि पेड़े बिल्कुल छोटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल इक्वली हमें उन्हें बेल लेना है। कई बार जो है हम एक ही पेड़े में भरकर बनाते हैं ना, तो वो जो है कई बार बीच में से कच्चे रह जाते हैं, मोटा जो है पेड़ा रह जाता है, या फिर रोटी मोटी रह जाती है, और सारी सामग्री जो है ना एंड में आ जाती है, और जो है मूली के पराठे जो है फटने भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आज जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे पराठे बनाएंगे ना तो बिल्कुल गोल बनेंगे, और हर जगह आपको मूली की स्टफिंग ही नज़र आएगी, और आटा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको जो है भर लेना है, और साइडों के अब हम क्या करेंगे कि बिना हाथ केले किए ही इसके एजेस को बंद करना है, बहुत ही प्यार से प्रेस करना है ताकि जो मूली की स्टफिंग है ना वो बाहर ना आए। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो पराठे हैं ना बिल्कुल परफेक्टली बनकर आते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम आटा खा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है ना जब मूली के पराठे स्टफिंग वाले बनाते हैं तो हम बीच में जो है आटा रहता है और साइडों में जो है मूली की स्टफिंग आ जाती है, तो उसका ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आलू के पराठे तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं जो हम एक पेड़े में लेते हैं, इसको आप प्याज के पराठों पर यूज़ कीजिए, चाहे मूली के पराठों पर यूज़ कीजिए, जो कि स्टफिंग ज़्यादा बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मूली के पराठे गोल गोल बनकर तैयार हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसको और बेल लेते हैं, बस हमें पेड़ा जो है ना बहुत मोटा नहीं लेना। अगर आप दोनों पेड़े जो है ना ज़्यादा मोटे ले लेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप आटा खा रहे हैं। तो लेमन साइज़ जितना ही पेड़ा लीजिए और उसको बेल लीजिए, और उसके बाद जो है स्टफिंग उसके अंदर अच्छे से भर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो है मूली के पराठे तो यहाँ पर बनाकर तैयार रख लिया है। इस ऐसे ही हम जो है अदर जो है मूली के पराठे भी बनाकर रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और मैं दिखा देती हूँ, तो लेमन साइज़ के ही मैंने लिए हैं, इसको अच्छे से जो है बेल लेना है, उसके बाद जो है स्टफिंग तैयार कर लेनी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मूली के पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं, और इसमें जितनी चाहे आप जो है मूली की स्टफिंग भर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये जो तरीका है अच्छा लगा है या नहीं लगा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होते हैं ताकि हमें और आगे काम करने के लिए हेल्प मिलती रहे। तो यहाँ पर तवा गर्म है, तो यहाँ पर मैंने जो है पराठा डाल दिया है, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर घी ऐड करेंगे, जैसा भी आप चाहते हैं, चाहे देसी घी चाहे आप डालडा घी यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर जो है हमें फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, इससे जो है पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मीडियम गैस पर ही अगर आप पराठे को बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठा बनता है वो। तो उसके बाद जो है हम घी लगा लेते हैं और पराठे को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्प कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया देखिए पराठा बनकर तैयार हुआ है, स्टफिंग एक साइड से भी जो है बाहर नहीं निकली है। तो आप ऐसे ही जो है मूली के पराठे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। आ गया ना मुंह में पानी, इसको देखने भर मात्र से ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप इसको बनाएंगे ना तो बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाएंगे ये गर्मा गर्म पराठे।
तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, दही के साथ कीजिए, ऊपर चाहे आप मलाई यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्टफिंग कितनी बढ़िया और बढ़िया बनकर आई है, और आप देख सकते हैं एक भी कोना ऐसा नहीं है जो मूली से भरा हुआ ना हो। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो आज मैं इसको जो है तैयार कर रही हूँ मलाई के साथ, तो अगर आप देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप मक्खन ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।